नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको अर्धचंद्रासना, जिसे हाफ मून पोज भी कहा जाता है, को करने का सबसे आसान तरीका और इसे होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हाफ मून पोज हमारे शारीरिक संतुलन को बढ़ाने वाला एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से हमारे हाथ और पैरों पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों को हाथ पैरों में कंपन की शिकायत होती है, उन लोगों ने इस हाफ मून पोज को नियमित 5 से 10 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। आइए देखते हैं कि अर्धचंद्रासना को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, अर्धचंद्रासना को अनेक विधियों से किया जाता है। इस अभ्यास को हम आपको 2 विधियों से करके बताएंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाना है और फिर इसके बाद आपने ऐसे घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं, कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही अर्धचंद्रासना की पोजीशन पर रहें। यह अभ्यास हमारे हिप्स, हमारे चेस्ट और हमारे शोल्डर के लिए एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग होती है। अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए इस अभ्यास को आपने प्रैक्टिस करना है और फिर धीरे धीरे सीधे ऐसे ही इस अर्धचंद्रासना को आप 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद इसी अभ्यास को आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों बाजुओं को ऐसे कान के पास लगा लें और धीरे धीरे ऐसे अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। दोस्तों, अर्धचंद्रासना को अब हम खड़े होकर प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे ही सम स्थिति में सीधे खड़े हो जाना है और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में और लेफ्ट पैर को 45 से 60 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेना है और अपने राइट घुटने को ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे आपकी थाई भूमि के समानांतर रहे। अपने हाथ को ऐसे अपने राइट पंजे के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने दूसरे हाथ को भी ऐसे बिल्कुल सीधा करते हैं। 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं, ऐसे ही बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसे ही इस ट्रायंगल पोज को प्रैक्टिस कर लेते हो तो अब इसी में हम करेंगे हाफ मून पोज को प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे बिल्कुल सीधा कर लेते हैं, ऐसे पैर को सीधा कर लेते हैं और अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। ऐसे और ऐसे ऊपर की तरफ देखते हैं। 30 सेकंड तक ऐसे ही रुके। और फिर धीरे धीरे सीधे ऐसे ही इस अभ्यास को फिर दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अब आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे कर लेते हैं, राइट पैर को 45 से 60 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने पंजे के पास रखते हुए ऐसे अपने हाथ को ऐसे ऊपर की तरफ करते हैं। कुछ देर ऐसे ही रुके हैं। यह अभ्यास हमारे हिप्स, हमारे चेस्ट और हमारे शोल्डर को मजबूती प्रदान करता है और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने लेफ्ट पैर को सीधा करते हुए अपने राइट पैर को ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। थर्टी सेकंड तक रुके। रुके
यह अभ्यास बैलेंसिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। और फिर धीरे धीरे नीचे ऐसे समस्थिति में सीधे खड़े हो जाना है। ऐसे ही इस अभ्यास को लेफ्ट राइट पैर से आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले आपने ऐसे ही सीधे खड़े हो जाना है और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में और लेफ्ट पैर को 45 से 60 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेना है। और ऐसे अपने घुटने को ऐसे मोड़कर अपने हाथ को ऐसे अपने पंजे के पास रख लें और ऐसे ऊपर की तरफ देखिए। फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने राइट पैर को सीधा करते हुए अपने लेफ्ट पैर को ऊपर को उठाइए, यानी कि आपने अर्धचंद्रासना की पोजीशन पर आना है। Thank you.